Cheers everyone and good morning from Bangdi. Today is 12th June, 8:42 हो रहा है. So within 15 minutes मैं इधर से निकल जाऊंगा. आज इधर से जा रहा हूँ पुनाखा, जो कि 13-14 किलोमीटर की दूरी में है. फिर निकल के कहाँ जाएंगे आई डोंट नो. कल मेरा परमिट खत्म होने वाला है, सो आज मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है. अभी होटल से निकल रहा हूँ. लगेज माउंट करना सबसे हेक्टिक वाला काम होता है. सो इट्स 12th जून, सुबह का 10 बज चुका है. आई एम ऑल सेट टू गो. 19 मिनट दिखा रहा है 12 किलोमीटर. सो चलो. ये सिटी भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ इसलिए लोगों के मुंह से आपको नहीं सुनाई देगा. पारो से इसका पॉपुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगा. ये थोड़ा सा ओल्ड सिटी है. सो इट्स अ सनी डे. दैट इज़ द कनेक्टिंग ब्रिज. रात को इसी ब्रिज को क्रॉस करके इधर आया था, इसी रोड से अंदर गया था. ये रिवर थोड़ा सा शांत टाइप का लग रहा है. सो एज यू कैन सी, मैं बंगडी से ऑलरेडी निकल चुका हूँ. नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स पुनाखा. जब मैं आया था तो पुलिस वाले को मैंने पूछा था कि होटल कहाँ पे मिलेगा या कौन कौन सा एरिया एक्सप्लोर करने लायक है, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया. इधर का कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा है, चाहे मिट्टी के घर हो चाहे कोई 5-स्टार होटल क्यों ना हो. एटलीस्ट विंडो का जो, ओह शिट, हाउ कैन आई मिस दैट. वैसे कोई लीकेज वगैरह हो गया होगा तो इधर से पानी आ रहा है, लेकिन यो लग रहा है. सो फाइनली बाय बाय बंगडी. जहाँ पे भी देखूँ सारा नज़ारा बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है. थैंक यू, विजिट अगेन, सेफ जर्नी. Look at the scenic beauty guys, and this is the longest suspension bridge. So चलो अभी ऊपर की तरफ चलता हूँ. ये स्टेयर्स मुझे चढ़ना पड़ेगा. लगेज वगैरह सब इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ. गाइज धूप बहुत है, धूप में फटी पड़ी है, लेकिन ये व्यू देख के थोड़ा सा एनर्जी बढ़ गया है. सो एनर्जी का भरपूर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा अच्छा फुटेज नहीं बना पाऊंगा. Can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Boss, बैठ के झूला झूल रहा हूँ. अमेजिंग फीलिंग, लिटरली झूल रहा हूँ मैं. लव टू डू इट मैन, बट आई एम हेल्पलेस. मुझे स्विमिंग नहीं आती है. यकीन नहीं मानोगे, ये पुल इतना बड़ा है, मतलब इतना लेंदी है. उस पार से इस पार आने में मेरा फटके हाथ में आ गया. साला धूप ने पूरा ले रखी है. अभी पूरा अंदर से पूरा गर्म हो गया हूँ. अभी देखो नहा तो नहीं सकता, लेकिन मुंह हाथ पे ठंडा पानी तो मार सकता हूँ ना. मजा आ गया. मैंने जाके एक कॉप को पूछा, ही इज अ वेरी काइंड पर्सन. हाईवे पे लगभग 3-4 राउंड घूमने के बाद भी मेरे को ये छिमीलखांग विलेज का रोड नहीं मिला. उन्होंने मेरे को गाइड किया. मिट्टी का घर, ये विलेज का सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर, नाइस स्ट्रक्चर. चलो इधर से आधा अधूरा दिखना स्टार्ट हो गया है. इधर होम स्टे का भी ऑप्शन है, आप अगर आते हो तो इधर स्टे भी कर सकते हो. इट्स अ वेरी एंशेंट विलेज. एक्चुअली इधर पे कुछ मान्यता है मेल प्राइवेट पार्ट्स को लेके, सो दैट इज़ द मेन थीम. इट्स अ छिमीलखांग विलेज. भूटान आने के बाद एक भी मॉनेस्ट्री नहीं घूमा, तो सोचा जाने से पहले एक बार घूम के जरूर जाऊंगा. This is the last destination in Punakha. After that, I'll be going towards Phuntsholling. Let's see, अगर Phuntsholling पहुंच पाता हूँ well and good. अगर नहीं पहुंच पाता हूँ, बीच में कोई से भी होटल वगैरह दिखे तो उधर पे आज नाइट स्टे करूंगा. तो अभी तक का ये प्रोग्राम है. तो अभी फिर से चढ़ाई चढ़ाई खेलना पड़ेगा. Shit man, व्यू के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. ऐसे डस्टबिन हर एक जगह मिलता है. बींग अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको इसका भरपूर उपयोग करना है. कचरा कहीं नहीं गिराना है. एंड बात करते करते फाइनली हैव रीच द मॉनेस्ट्री. लेट्स हैव अ लुक.
3 हो चुका है, तो अभी मैं इधर से निकलूंगा। सच अ स्ट्रेंज विलेज गाइस, एक बार आके जरूर विजिट करो, देन यू शुड नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 3:00 एट आफ्टरनून एंड फाइनली आई एम लिविंग फ्रॉम सिमिलखांग। दिस इज द ओनली वे, रोड के साइड से ये रफ रोड आता है, पाजो टाउन के एकदम नज़दीक है ये। सो वो था सिमिलखांग विलेज। बहुत गर्मी झेल चुका हूँ, अब थोड़ा सा ठंडी माहौल में जाना पड़ेगा। उसके लिए आई नीड टू ड्राइव एटलीस्ट 15-20 किलोमीटर टूवर्ड्स टू थिम्पू। चांद को अगर हम मामा बोलते हैं तो सूरज को क्या बोलेंगे? सूरज ताऊ। सूरज ताऊ को आज ही अपना पूरा तेज दिखाना था, थोड़ा सा कम नहीं कर सकता, बच्चे का जान लेगा क्या? अनएक्सपेक्टेडली बारिश, जो एक्सपेक्टेड था पता नहीं है क्या है। अच्छा शेड मिला, हालांकि ऐसे शेड अगर पहले मिल जाता इसी शेड में हम सो जाते। ये देखो बॉक्स बनी है, तो कार अपने बॉक्स में, बाइक वाला बॉक्स में बाइक पार्क किया। यू हैव टू ओबे द रूल्स राइट। सो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ थिम्पू टू पुनाखा हाईवे, इसको दो चूल्हा पास बोलते हैं। एंड मैं अभी थिम्पू में बाईपास में हूँ और इधर से 140 किलोमीटर दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। या हेयर इट इज। सो इधर से पारो 46 किलोमीटर एंड फुनसोलिंग 142 किलोमीटर। इसी गेट से मैं एंटर किया था, हाँ वैली के लिए इधर, पारो के लिए भी इधर, फुनसोलिंग के लिए भी इधर। सो इट्स अ नाम सिलिंग। मैंने जहाँ तक देखा है 60-40 का रेशियो में रखना चाहूँगा। 60% लड़कियाँ ड्राइव करती हैं, फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ, टू व्हीलर तो वैसे भी बहुत कम मिलता है, और जितना भी मिला है तो बजाज का दिखा है या तो रॉयल एनफील्ड का दिखा है। इधर पे मैंने BMW अभी तक नहीं देखा, BMW के अलावा लगभग हर एक कंपनी का गाड़ी देख चुका हूँ। और टोयोटा का तो कुछ कुछ मॉडल इधर पे नया देख रहा हूँ जो शायद इंडिया में ना हो। सुबह से मेरी ब्रंच अभी अधूरी है, और ब्रंच प्लस डिनर अगर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रनर। सो अभी ब्रनर ही करूँगा। सो वुडन जब एंटर कर रहा था तभी भी मुझे बारिश मिला, अब जैसे एग्जिट कर रहा हूँ तभी भी बारिश मिली है। सो नो डाउट ये एक्सपेक्टेड था, और बारिश में चलाने का जो एक्सपीरियंस था वो ऑसम था बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन। आई डोंट नो मेरा ऑडियो क्लैरिटी कैसे पहुँच रहा है, वो जब फुटेज एडिटिंग करने बैठूँगा तब मेरे को पता चलेगा, और मैं सिर फोड़ता रहूँगा। रात के हो रहा है 9:30, इट्स अ शेलगुएन रेस्टोरेंट एंड बार। कल का जो प्रोग्राम है आई डोंट नो, अभी रात को बैठ के फुर्सत से इसका प्लान सेटअप करूंगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो फॉर वॉट एवर द रीजन इज, सो क्या करना है आप लोगों को पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन बाय बाय माय लवली व्यूअर्स। थोड़ा सा प्राइवेट टाइम स्पेंड करता हूँ।